जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो क्या सोचा, किसको वोट देंगे? देखेंगे, हमारा तो पीटीआई को वोट है इंशाल्लाह। हाँ जी, पहले भी इधर प्रवेश खटक साहब को किया था जी। प्रवेश खटक, तो प्रवेश खटक साहब की भी पीटीआई है अब जी। अब तो पीटीआई, पीटीआई अब बदल गया है ना, जो पीटीआई थी वो असली पीटीआई वही है। नहीं, कौन सी वाली पीटीआई अब? अच्छा, वो वाली को देंगे? हाँ जी, दूसरी को नहीं। पार्टी बदला दी ना, तो अब इस वजह से हम जो है ना प्रवेश खटक साहब से छोड़ दिया हमने। खफा हुए आप खटक साहब की पार्टी छोड़ने? जी खफा है बिल्कुल। क्यों छोड़ी उसने, क्या नहीं छोड़नी चाहिए थी? नहीं, तो इंसान पे सख्ती आती है, सख्ती आ गई है। अब सख्ती में आप किसी को छोड़ो तो मत ना। अब सख्ती में आप साथ रहे। हमारे बात बुरी लगी कि सख्तियों में छोड़ क्यों गया? सख्ती में कई लोग छोड़ गए, हमें बुरा लगा। बुरा लगा जी, बुरा लगा। आपने क्या सोचा? हमने ये सोचा हम कासिम के अबू को वोट देंगे। हम और कासिम के अबू को? हाँ जी, हम और तो किसको? प्रवेश खटक, खटक के अबू को नहीं देंगे? नहीं, प्रवेश खटक को हम पहचानते ही नहीं है। जानते नहीं है? नहीं, आप सिर्फ कासिम के अबू को जानते हैं? हम सिर्फ कासिम के अबू को जानते हैं। खटक साहब ने अपनी पार्टी बनाई तो हम उसे नहीं पहचानते, हम पहचानते ही नहीं है वो कौन है। आप नहीं जानते ये कौन है? ठीक है, हम सिर्फ कासिम के अबू को पहचानते हैं। कासिम के अबू? हाँ जी, क्या हाल है? गर्मी तो नहीं ज़्यादा? तो किसको वोट दिया था पहले? पहले पीपी को। पीपी, और अब किसको करना है? अभी पीपी को। पीपी को करना है? हाँ। सही जा रही पीपी? सही जा रही। सही, यहाँ से जीत जाएगी? जीत तो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे उम्मीदवार यहाँ जो थे वो फोत हो गए। ठीक है, तो नए उम्मीदवार अच्छे? नए उम्मीदवार जो आएंगे तो देखेंगे। लेकिन आपने करना है पीपल्स पार्टी को? हमने सपोर्ट करना है पीपल्स पार्टी को शुरू से भी। क्या वजह है पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी को जी देखिए, उनकी गवर्नमेंट में कोई इतनी महंगाई नहीं थी। अच्छा, अभी ये दो तीन गवर्नमेंटें गुजरी उसमें आप देख लें महंगाई का तूफान टूट पड़ा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो पुराने आजमाए हुए लोग हैं वो सही हैं। पुराने आजमाए हुए लोग सही हैं? सारे लोग कहते हैं पुरानों को आजमा लिया, आप नए को आजमाओ। नए को तो हमने आजमाया ना, मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। आपने देख लिया, ये महंगाई तो उनके दौर में आई जो नए आए। नए लोगों को जब समझ नहीं है, आप उनको लेके आते हैं उनको समझ होती नहीं है। तो आप कह रहे पुरानों को ही ले लो? हम कहते हैं जिनके पास तजुर्बा है उनको ले लो, उनके पास तो जो चलाने का तजुर्बा है ना जी। नए लोगों को आप मुझे आप गाड़ी पे बिठा दें, मैं गाड़ी को किसी को मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ये जो नया आया था इसने गाड़ी को मारा है? मारा है ना। आप तो देखे आप मुल्क को तूफान कहाँ है, महंगाई कहाँ पे पहुँची। ठीक है, ठीक। और आपका क्या ख्याल है? हमने आप भी आ जाए जरा सर। हमने तो डालना ही नहीं है जी किसी। क्यों, वजह क्या हुआ? पहले इतने वोट डाले हैं तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। हाँ जी, आपने किसको दिला? हम तो वोट जो है ना नवाज शरीफ को देते हैं। नवाज शरीफ को? तो नवाज शरीफ किसी को वोट नहीं देते? किसी को नहीं देते? No. क्या वजह है नवाज शरीफ को वोट डालने? आप देखिए कि पाकिस्तान की आप पूरी हिस्ट्री देख लें, जब से पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें आई हैं, जब से पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की है सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में की है। अच्छा, अगर नवाज शरीफ के मनसूबों को पाकिस्तान से निकाल दें, पाकिस्तान आपको एक खंडर नजर आएगा। तो आपके तो बड़ी जमहूरियत है यार, आप पीपल्स पार्टी के नून लीग वाले इधर बैठे हैं, एक बंदा कहता है मैंने वोट ही नहीं करना। गवर्नमेंट किसकी है जी? ये पीडीएम का इजलास हो रहा है यहाँ पे? तो आप यहाँ से जो नून लीग के हैं वो कौन खड़े हो रहे हैं? चार वाली पहले भी जीते, अभी भी वो अभी भी जीतेंगे। ठीक है, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? किसको वोट करेंगे आप? किसको दोगे? मैं आप जब मेरे पास आएंगे हाँ? मेरे इलाके में मुझसे आगे पूछेंगे आप, तब मैं आपको आपके इलाके में मैं कह रहा हूँ आप नवाज शरीफ को वोट दोगे? नवाज शरीफ? हाँ जी। क्यों? बस आप दोगे उसको। और आप किसको दोगे? मैं तो नवाज शरीफ को। क्यों? आप कह रहे हो कि आप नवाज शरीफ को दोगे, मुझे भी नवाज शरीफ को? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? वो मोहब्ब वतन लीडर है। बाकी सारे मोहब्ब वतन नहीं, सिर्फ एक नवाज शरीफ मोहब्ब वतन? हाँ बिल्कुल। ये कैसे, जरा समझाए ना, मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आपको अंदर बैठते समझाएंगे इस तरह? तो आपको समझ नहीं आती अब मीडिया वाले, तो फिर किसको समझ आएगी? मुझे समझाएं, मोहब्बे वतन तो सारे होते हैं ना, वतन से तो सारे प्यार करते हैं। कौन करते? सारे नहीं करते। ये तो आप बताएंगे आप। ये इतने ड्रामे बन रहे, ये सही है कि झूठ है? कौन से वाले? जब आप नहीं देखते? मैं देखता हूँ, लेकिन आप नहीं करो ना। किस वाले पे? वो खत वाला, वो झूठा था कि नहीं? साइबर वाला? हाँ, नजर तो आ रहा है झूठा था। हाँ, तो फिर आप किस तरह? तो ये तो एक हो गया ना, आप कायल कर रहे हैं कि सारे नून लीग को वोट करें जी। तो आपने तो इधर बाजार वालों को कहा है, बाकियों को भी तुम्हें भी नून लीग को वोट देना चाहिए। तो पीटीआई होगा नहीं इलेक्शन में? है ही नहीं। नहीं होगा इंशाल्लाह। क्यों बस नहीं होगा? ये तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, दूसरी बैन करवाना है? नहीं, जब गलत काम करोगे तो बैन तो जाएगी। ठीक है, चाय पीने? हाँ चाय पीने, बैठ जाओ। यहाँ से प्रवेश खटक थे?
हाँ जी, उनको पहले वोट किया था। बिल्कुल। अब दोबारा खटक सर को देंगे वोट? नहीं, दोबारा नहीं देंगे, पीटीआई वाले को देंगे। तो क्या दोबारा उनको क्यों नहीं देंगे? बस नहीं देंगे। गुस्सा कोई गुस्सा है, शिकवा है? नहीं, कोई गुल्ला नहीं है। अच्छा, लेकिन आप कहते बस हमारा पीटीआई पसंद है। ये जिसको भी वोट देगा ना पीटीआई को देगा, वो पीटीआई को नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी से, वो और को जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? उसको जाएगा। ये क्या चक्कर क्या है? बस हर किसी का अपना ज़हन होता है। नहीं, लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं पीटीआई इलेक्शन में नहीं होगा, इनको किससे पता है? यार इंशाल्लाह पीटीआई आएगा। आएगा इंशाल्लाह।